हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक अधिसूचना जारी हुआ है, शिक्षक नियोजन से संबंधित संशोधित अधिसूचना जारी हुआ है। तो एक बार फिर से शिक्षक बहाली का जो नियोजन पत्र मिलने का डेट था वो चेंज हो गया है। फिलहाल जो छठे चरण का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली चल रहा है उसका, तो ये आज के डेट में जारी हुआ है। आप इस लेटर को देख सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए जिला पदाधिकारी पटना के द्वारा 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। पुनः गृह विभाग द्वारा दिनांक 16/7/2020 से 16 दिनों के लिए सभी कार्यालय एवं सार्वजनिक परिवहन को बंद, कुछ अपवादों को छोड़कर रखते हुए अन्य निर्देश निर्गत किए हैं। उक्त स्थिति में अभ्यर्थियों की सुरक्षा को दृष्टिपथ में रखते हुए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है, जिसमें अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन यह जो है 3/8/2020 तक है। जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना नगर निकाय का ये 5/8/2020 से 6/8/2020 तक है और जिला परिषद 7/8/2020 से 8/8/2020 तक। मतलब पूरा डेट एक बार फिर से चेंज हो गया है, नया शेड्यूल आ गया है। इससे पहले भी कई बार चेंज हो चुका है। विभागीय अधिसूचना संख्या 819 दिनांक 11/6/2020 के कंडिका 5 में यह अंकित है कि छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन पंचायत में स्थापित किए जाने वाले नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही माध्यमिक शिक्षा के पद पर किया जाए। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्देश जिला परिषद नियोजन इकाई में क्रमशः सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी एवं द्वितीय भाषा विषय के पूर्व से प्रकाशित रिक्ति के सापेक्ष में पद स्थापन की कार्रवाई पर ही प्रभावी होगा। इस प्रकार नगर निकाय के अंतर्गत पूर्व से विज्ञापित रिक्ति के सापेक्ष एवं जिला परिषद अंतर्गत उच्छा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के संदर्भ में पूर्व से विज्ञापित रिक्ति के सापेक्ष नियोजन की कार्रवाई की जाती है। तो जो ये नियोजन होगा वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, नया जो उत्क्रमित हुआ है स्कूल उसमें होगा। पूर्व से नियोजन संबंधी निर्गत अधिसूचना के अंतर्गत अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। अरशद फिरोज, उप सचिव शिक्षा विभाग, 15/7/2020 यानी आज ही के डेट में ये लेटर जारी हुआ है। तो मिलते हुए फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पर आते रहती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।